हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, चलो मैं भी ठीक हूँ। और सब घर में माँ पापा सब ठीक है ना? चलो, तो आज मैं आया हूँ एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक को लेकर के। बहुत ही शानदार लगने वाला है ना? आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले फिजिक्स के टॉपिक्स को, है ना। जिस टॉपिक का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बहुत ही मस्त है ये डेरिवेशन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते रहता है, कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे फिर क्यों ना स्टेट बोर्ड्स का एग्जाम हो। यहां से नीट में भी 250 क्वेश्चन बनता है हर एक साल। चलो तो देखते हैं भैया कि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है और क्या इसका डेरिवेशन है और कैसे करेंगे इसका डेरिवेशन, है ना। चलिए, तो लेट ना करते हुए आप सभी का अपना प्यारा सा चैनल स्टडी विद दीपू सर में स्वागत है। चलो तो रेडी, है ना। कंसंट्रेट करिए, चीजों को बहुत ही इजी लगेगा समझने में, है ना। चलिए एकदम ध्यान से देखेंगे क्या बोला जा रहा है क्या नहीं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक धासु सा टॉपिक, जिस धासु का टॉपिक का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अरे वाह रे वाह, ऐसा क्या है भैया जो इसमें बोल रहे बेटा? ये 5 स्टार से कम नहीं होना चाहिए। 5 स्टार, 5 मार्क्स का क्वेश्चन सही है। 5 मार्क्स का, बाप रे बाप। सबसे पहले बात करते हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पहले क्या पढ़े थे। तो जस्ट हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप को लेकर के चर्चा किए थे। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग आसानी से डील कर चुके थे, है ना, कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसका क्या डेरिवेशन है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेसिकली ये क्या है? कुछ नहीं है कि इसमें दो, अच्छा सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक लेंस था, बट यहां पे देर आर 2 लेंस ऑफ, 2 कॉन्वेक्स लेंस है यहां पे, है ना। वहां पे 1 कॉन्वेक्स लेंस था, यहां पे 2 कॉन्वेक्स लेंस है। चलो हम लोग बात तो करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में एक आप लाइन लिख ले कि भैया ये होता क्या, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसका डेरिवेशन को तरफ, है ना। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंस, वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरी स्मॉल फोकल लेंथ विथ A small aperture, या फिर short aperture, and one is eyepiece of moderate focal length. And large aperture चलिए ये है अपन का डेरिवेशन, है ना। ये जो है वो अपन का मतलब डिफाइन है कि सब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है और इसका क्या है। हालांकि इसका हम लोग जो डिफिनेशन है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। इसको बाद में हम लोग समझेंगे कि स्मॉल फोकल लेंथ है, लार्ज स्मॉल अपार्चर है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक का नाम, एक का आईपीस है। हम लोग सब कुछ डायग्राम से समझेंगे इसका क्या मीनिंग है, क्या महत्व है। चलो तो रेडी करें स्टार्ट हम। चलो बहुत बढ़िया बात है, हम लोग इसका डेरिवेशन की तरफ बात करते हैं और ये डेरिवेशन से ही हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या महत्व है, क्या मीनिंग है और क्या बोला जा रहा है। श्योर, चलते हैं तो डेरिवेशन की तरह मूव करते हैं। इसको हम लोग बाद में समझेंगे, हाँ रेडी हो जाए तो इसको मिटा रहे और आते हैं डेरिवेशन की तरफ।
जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बेटा इसमें बेसिकली ध्यान से देना है कि इसमें दो लेंस को रखा गया है, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, दो कॉन्वेक्स लेंस को रखा गया है और एक कॉन्वेक्स लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव हम रख देंगे मान लेंगे, और एक लेंस का नाम दे देंगे आईपीस, है ना। जैसे एग्जाम जैसे हम यहाँ पे समझाते हैं, मान के चलिए कि ये मेरा क्या है कि ये पहला लेंस है, दिस इज फर्स्ट लेंस, एंड व्हाट दिस इज सेकंड लेंस, दिस इज व्हाट सेकंड लेंस। गौर से देखिएगा क्या बोलने का मीनिंग है, दो लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस को ले लिया जा रहा है ना, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है ये भी कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा क्यों ऐसा लिया जा रहा है अभी सब समझ में आएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एंड सिर्फ एक लेंस को लिया गया था, बट यहाँ पे दो दो लेंस का यूज कर रहे हैं, आखिर क्या बात है भाई, हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए अब इस डायग्राम में कुछ कुछ बात करते हैं हम लोग, जो कि हम लोग को जानना जरूरी है डेरिवेशन की तरफ। हाँ चलिए ये आपको पता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना, ये आपको पता है। अच्छा ये है आई पीस, ये जो लेंस है वो क्या है, आई पीस है, इसका नाम हम दे दिए आई पीस, पी आई ई सी ई, और ये इसका नाम हम दे दिए क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। क्यों अभी समझ आएगा। अब ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर ओ, है ना। चलिए क्या कर रहे हैं कि इस पहला लेंस के वजह से हम इमेज बनाने का कोशिश कर रहे हैं, हाँ इमेज बनाते हैं। अगर इमेज बनाएंगे तो मान के चलिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है ए और व्हाट डी, इससे रे निकालते हैं हम, इससे रे अगर निकालेंगे तो आपको भी पता है भैया, है ना, कि अगर कोई पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, आपको पता है। चलिए हमको इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो रे कट करवाना पड़ता है। चलो दिस इज द फर्स्ट रे, एक और रे पास करवाएं कहां से, हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम पास करवाएंगे तो कुछ ऐसा कटेगा, देख है ना, ध्यान से देखिएगा क्या बोलने का मीनिंग है, कुछ ऐसा डायग्राम हम बना देते हैं कुछ ऐसा, है ना, बाकी आप देख लीजिएगा क्या है सर, है ना। चलिए यहां पे कटा, इमेज बन गया भैया, इमेज बन गया, इस इमेज का नाम हम बी डैश और क्या दे देते हैं, ए डैश दे देते हैं। ध्यान से सुनना बात को क्या बोला जा रहा है, पहला लेंस के वजह इमेज बना ए डैश बी डैश पे बना, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया था, ए बी ऑब्जेक्ट को रखा गया था, ये जो एंगल बन रहा था ये एंगल ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल, ये एंगल जो बन रहा था इस एंगल का नाम हम अल्फा दे देते हैं, है ना, आगे यूज करेंगे। चलिए अब क्या है कि एक कंसेप्ट हम पहले बोले थे कि इसका इमेज अगर है, अगर ये लेंस के वजह से इमेज यहां बन रहा है तो ये इमेज जो है वो इसके लिए किसके जैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, बहुत बढ़िया बात है। अगर इसका इमेज, अगर इस लेंस का इमेज यहां बन रहा है तो ये इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, बहुत बढ़िया बात है। मीन्स क्या है कि ए डैश बी डैश जो है वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा तो भैया क्या यहां से भी रे निकाल दे और यहां से इसके देखते हैं कि इसके वजह से, इस लेंस के वजह से कहां इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है भाई। चलो निकालते हैं, सबसे पहला पैरेलल भेजेंगे, आपको भी पता है पैरेलल जाएंगे तो ये कहां से निकलेगा, फोकस से निकल गया, आगे जाकर के कहीं मिलेगा। चलिए दूसरा इसका कहां से पास करवा दें, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दें, जैसे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो ये आगे कभी मिलने वाला नहीं है, आगे कभी भी मिलने वाला नहीं है, ये रे देखिए है ना, ये आगे कहीं नहीं आए फोकस पेज, है ना। तो एक ही ऑप्शन है कि अगर इसको थोड़ा हम एक्सटेंड करें पीछे के तरफ तो आगे पीछे अगर कहीं एक्सटेंड करने के बाद अगर कहीं कटता है इट मीन्स इमेज बन सकता है वहां पे, एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे हम, हाँ पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा प्रोसेस को, सब समझ आ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है, है ना।
सब समझ में आ जाता है क्या बोलने का मतलब है। देखिए सब समझ में आ जाएगा है ना कहीं ये कंफर्म कटेगा पीछे, मतलब वर्चुअल इमेज बना रहा होगा है ना, रियल तो बनने वाला है नहीं है ना, रियल इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप आगे कहीं कटा नहीं। देखिए ये देखिए कुछ ऐसा, ये है मेरा। अब ये जो बन रहा है इमेज, ये जो इमेज बन रहा है वो मान के चल ये पॉइंट पे बन रहा है, और इमेज हम बोल दे रहे हैं जो है वो क्या बन रहा है, अपने से बोल रहे क्या है ना, ये बी डैश हो गया और ये क्या हो गया, ए डबल डैश हो गया, मतलब बी डबल डैश और ए डबल डैश, ये मेरा कंस्ट्रक्शन हुआ। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि कैसे कैसे बनाया और क्या क्या चीज है। भैया दो लेंस लिए, दो लेंस लिए, पहला के वजह से इमेज बनाए, ये इमेज बना, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा, कर रहा है, आगे कभी मिलने वाला नहीं था, पीछे एक्सटेंड किए कहीं मिल रहा है, और कहीं मिल रहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अच्छा कहीं कहीं बुक में अगर आप देखोगे तो ये लेंस के पीछे बी डैश ए डबल डैश जो बन रहा है, बी डबल डैश ए डबल डैश, वो यहाँ पे भी बना दिया गया। भैया वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज को आप कहीं भी बना दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो वर्चुअल है ना, वास्तविक नहीं है, रियल नहीं है। तो चलो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। चलो इमेज के द्वारा जो एंगल बन रहा है इस एंगल का नाम दे देते हैं बीटा, है ना। अच्छा आपको पता है मैग्निफिकेशन, यहां पे शुरुआत ही करेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, आप याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप में बताए थे मैग्निफिकेशन को लेकर के। अच्छा ये बहुत बड़ा डायग्राम हम बना दिए, आप कॉपी में थोड़ा छोटा डायग्राम बनाइयो, ज्यादा समझ आ जाएगा है ना, तेरे को समझाने के लिए ऐसा कर दिए हैं। चलो अब बात करते हैं इसका डेरिवेशन की तरफ। तो सबसे पहला बात आता है भैया ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, आप याद कर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताए थे बीटा अपन व्हाट अल्फा। सिंपल माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था बीटा अपन अल्फा। अच्छा ये बीटा और अल्फा क्या था पता है, बीटा था इमेज फॉर्म्ड बाय आई, इमेज फॉर्म्ड बाय आई है ना, इमेज फॉर्म्ड बाय आई, या ऐसे लिखो एंगल फॉर्म्ड बाय आई, एंगल फॉर्म्ड बाय आई, और ये मेरा क्या था एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। अच्छा आपका आंख यहां पे है, ये आप चीजों को यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, हाँ ये चीजों को यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो। अब तुम इमेजिन करो कि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया था और उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो यहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट यू था ऑब्जेक्ट ये था, क्या बड़ा बना या नहीं बना, लार्ज या वेरी लार्ज, बहुत बड़ा लार्ज बना। और माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना, क्योंकि आप यहां पे अपना आई को रखे, इसी वजह से इसका नाम जो है आई पीस रख दिया गया है, और सिंस ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा गया था इसी वजह से ये लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव लेंस रख दिया साइंटिस्टों ने। सर ये ऑब्जेक्ट के करीब था तो इसका नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव लेंस, और सर ये आई के करीब था इसी वजह से इसका नाम रख दिया जाए आई पीस लेंस, बस खत्म, बात है कुछ नहीं है, बस ये था आपका। अब बेसिकली हमको यहां से निकालना क्या है, बीटा और अल्फा का वैल्यू निकालना है, बीटा और अल्फा का वैल्यू निकालना है, बीटा और अल्फा का वैल्यू अगर निकल गया। अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि जो एंगल बन रहा बीटा और अल्फा बहुत छोटा या बहुत बड़ा है, बहुत ही छोटा है, क्योंकि पूरे रे ऑप्टिक्स में हम बताए हैं कि कोई भी एंगल अगर बन रहा होगा तो वो एंगल बहुत बहुत क्या होता है, छोटा होता है। तो क्या आप बीटा को टेन बीटा टेन अल्फा लिख सकते हो, अरे आसानी से लिख सकते हो, टेन बीटा टेन अल्फा लिख सकते हो। तो हम अगला स्टेप में क्या करेंगे है ना कि सीन्स बीटा एंड अल्फा आर, सो सीन्स अल्फा एंड बीटा आर है ना आर सो स्मॉल, मतलब बहुत स्मॉल है,
इसलिए सो एम बराबर लिख सकते हैं व्हाट टैन बीटा अपन क्या टैन अल्फा एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर क्या फर्स्ट। अब बेसिकली मेरे को यहां से क्या करना है कि टैन बीटा और टैन अल्फा का वैल्यू निकालना है। अगर टैन बीटा टैन अल्फा का वैल्यू आ गया तो फिर इजी हो जाएगा मेरे को। क्या टैन बीटा टैन अल्फा आ सकता है यहां से? आसानी से आ जाएगा। चलो इसके नीचे ये वाले के स्टेप के नीचे हम यहाँ पे जगह है मेरे पास तो हम यहाँ पे लिख दे रहे श्योर है ना। चलो अच्छा कुछ कुछ हम यहाँ पे टर्म नहीं लिखे हैं। इस लेंस के वजह से इमेज यहां बना तो इसको हम क्या लिखेंगे भी ओ। ओ क्यों लिख रहे पता चला कि सर ये इमेज जो बन रहा है ए डैश बी डैश वो किसके वजह से? ऑब्जेक्टिव लेंस के वजह से बन रहा है भैया। ये हम वीवो क्यों लिखे हैं क्योंकि सर यहां पे इमेज बना किसके द्वारा? ये लेंस के द्वारा। और ये लेंस का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसी वजह से हम वीवो लिख दिए। अच्छा इसको हम क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश को यहां से हम क्या लिखेंगे यू ई। यू का मतलब व्हाट? ऑब्जेक्ट दूरी। किसके लिए? आईपीस के लिए, इसी वजह से यू ई लिख दिए है। अरियस या नो? अरे भैया ये मेरा ए डैश बी डैश जो है वो इस लेंस के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं और ई लगा दिया क्योंकि ये आईपीस के लिए था इसी वजह से। अच्छा ये जो इमेज का दूरी है, ये जो इमेज का दूरी है यहां से यहां तक उसको हम लोग क्या लिखेंगे भी ई लिखेंगे। भी का मतलब इमेज डिस्टेंस। किसके द्वारा? आईपीस के द्वारा जो बन रहा था। देखो ना भैया इसी के द्वारा तो इसका ये ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाया तो भी हो गया। बाद में इसको पता चलेगा कि भी को हम लोग डी भी लिखे थे क्योंकि आप याद करो मैग्निफिकेशन क्या था बीटा अपन अल्फा एंगल फॉर्म्ड बाय आई एट एलडीडीबी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का बात कर रहे थे बीटा अल्फा। ये भी एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट विच इज सपोज टू बी प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अच्छा एक चीज और बता दो ये वाला एंगल ये वाला दूरी को आप क्या मेजर करोगे यू यू ओ। यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और किसके लिए था? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए था इसीलिए से यू ओ कर दिए। चलो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया माइक्रोस्कोप का। अगर ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो फिर इजी है ना, बहुत इजी है कंस्ट्रक्शन। एक बार फिर से देख लेंगे आप सभी क्या है वीवो क्या है यूई क्या है वीई क्या है यू नॉट यूओ क्या है, बस इतना ही सा था। अब यहां से टैन बीटा और टैन अल्फा निकालने का कोशिश करेंगे। आप मेरे को ये बताओ टैन बीटा कैसे निकालोगे? टैन बीटा बराबर टैन बीटा बराबर अरे बीटा टैन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी। चल अब ये बीटा मेरा एंगल यहां पे है ये वाला एंगल। अच्छा बीटा एंगल फॉर्म्ड बाय एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अरे ऐसा लिखो ना एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आई ऐसे लिखो ज्यादा बेटर होगा। अब ये बीटा के लिए एंगल तो यहां ये एंगल के लिए आप देखो इसके लिए इमेज तो यहां बन रहा है ये वाला। भैया ये एंगल बीटा जो है इसके लिए इमेज लेना है इमेज के द्वारा तो इमेज तो ए डैश बी डैश है। मीन्स क्या है कि हम लिख सकते हैं क्या ए डबल डैश बी डबल डैश अपन यहां से यहां का दूरी ये मान के चलिए ई मेरा पॉइंट हुआ तो ये वाला दूरी ई और यहां तक का दूरी क्या है ई बी डबल डैश बस खत्म बात। सिमिलरली टेन अल्फा आप निकालो यहां से टेन अल्फा बराबर टेन अल्फा क्या एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई है ना। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा ये था ये ऑब्जेक्ट के लिए एंगल अल्फा तो ये अल्फा अगर निकालेंगे तो बताओ क्या है अल्फा टेन अल्फा बराबर क्या ए बटा ये मीन्स क्या लिख सकते हैं ए बी अपन क्या लिख सकते हैं ओ बी बस खत्म बात है। अब यहां से क्या करो कि टेन बीट यहां पे मैग्निफिकेशन में वैल्यू को पुट कर दो देखते क्या आता है भाई है ना। थोड़ा इतना जल्दी लिख करके स्क्रीनशॉट करो हम पूरा मिटाएंगे। लिखिए जल्दी लिखिए थोड़ा सा है ना कैसे कैसे कर रहे हैं। हो गया चलो
कैसे करे डायग्राम तो बहुत बड़ा बना दिए यार, कहाँ लिखे समझ आ नहीं रहा है, बड़ा लंबा डेरिवेशन है। कैसे करें इसको मिटा दे, हम फिर से छोटा डायग्राम बनाते हैं हाफ में, इसको मिटा ले यही डायग्राम को हम फिर से बताते हैं। हाँ चलो इसको मिटा करके स्पेस है नहीं ज्यादा, इसी वजह से हम आगे डेरिवेशन की तरफ हमको मूव करना है इसी वजह से, श्योर चलो है ना, हम जल्दी जल्दी डायग्राम तुरंत बना लेते हैं शॉर्टकट में, ताकि तेरे को सब कुछ समझ में आ जाए है ना। चलिए मान के चल इधर कहीं कट गया, ठीक है ये कट गया, अपन नाम दिए थे क्या ए डबल डैश और क्या था बी डबल डैश है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखे थे कुछ ऐसा है ना, ऐसा कुछ रखे थे, नाम क्या था ए और क्या था बी था, यही था। चलो एक यहां से हम चलिए, आपका यहां तक हो गया, ये डायग्राम है आपके सामने है ना। चलिए अब यहां से क्या था कि मैग्निफिकेशन बराबर टेन बीटा अपन टेन अल्फा लिखे, टेन बीटा का वैल्यू निकाले भैया, ये बीटा एंगल, इसके लिए हमको टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मेरा क्या है ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसके लिए बेस तो यही होगा, बेस का मतलब ए और क्या बे, डायरेक्टली आप ऐसे भी देख सकते, इस ट्रायंगल का अगर बात करें इस ट्रायंगल के लिए तो ऐसे कुछ है, देखो ऐसे है ना, यहाँ पे क्या है बीटा, यहाँ पे क्या है ई, यहाँ पे क्या है ए डबल डैश, और यहाँ पे क्या है सॉरी ये मेरा क्या होगा बी डबल डैश, और यहाँ क्या होगा ए डबल डैश, और यहाँ क्या होगा बी डैश, और यहाँ क्या होगा ए डैश, यही होगा है ना। चलो आसानी से हम लोग लिख सकते क्या कि यहाँ पे मेरा क्या है बी डबल डैश है ना, और यहाँ अपन का क्या है ए डबल डैश है, तो टेन बीटा निकालना भैया, परपेंडिकुलर तो मेरा ये है मतलब ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये मेरा बेस क्या है ए डबल बी डैश आ गया। सिमिलरली टेन अल्फा, टेन अल्फा का वैल्यू कुछ ऐसा देखो, ऐसा है कुछ ऐसा, दिस इज द अल्फा दिस इज द ए एंड दिस इज द व्हाट बी, यहां पे क्या है मेरा ओ, अल्फा का वैल्यू निकाला टेन अल्फा में, तो ए बी मेरा ये हो गया और ओ बी मेरा ये हो गया, तो दिस इज द अल्फा एंड बीटा कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करो कि ये अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट कर दो है ना, टेन अल्फा टेन बीटा का वैल्यू पुट कर दो आप इस सिचुएशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेन बीटा है ना, हम लोग लिख सकते हैं नाउ नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, putting the value of this value, putting the value of this in equation number first, put कर दो m बराबर tan beta, tan beta का क्या है भैया a double dash b double dash, अपन क्या है e double b dash, बटा tan alpha a b अपन what o b, अगर इसको ठीक से लिखे तो कुछ ऐसा लिखेंगे देखो है ना, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ई बी डबल डैश इनटू, ये ओ बी कहां चला जाएगा ऊपर, ओ बी अपन क्या जाएगा ए बी, इसको ठीक से हम लिख दिए तो कुछ ऐसा लिखेंगे है ना। अब मेरे को ये बताओ कि यहां पे कुछ वैल्यू को हम लिखेंगे ई डबल बी डैश इतना, ये वैल्यू को क्या हम भी लिख सकते हैं, अरे यस या नो, ई बी जो यहां से यहां तक का दूरी है उसको भी लिख सकते हैं, और ये भी किसके बराबर है डी के बराबर है, सिंस यहां पे हम लिख सकते हैं एम बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश अपन, ध्यान से देखो
ऐसा करो कि ए बी को पहले लिख दो ए बी गुने और ओ बी। अच्छा ये ओ और बी, ये ओ और बी, ये ओ और बी, ओ बी को क्या लिखे, यू ओ लिख सकते हैं, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यू ओ अपन व्हाट ए बी ओ बी हो गया। और ए बी क्या चाहिए, ई बी डबल डैश चाहिए, ई बी डबल डैश, इसके लिए क्या लिखे, भी लिखे। यहां पे मेरे को ये बताओ कि यूओ बराबर डी एंड भी बराबर डी है, क्यों डी है बताओ मेरे को, यूओ बराबर डी, यूओ कहां, यूओ ये वाला जो डिस्टेंस वो डी के बराबर है और भी ये भी डिस्टेंस यहां से यहां वो भी डी के बराबर है, कैसे बोल सकता है, क्योंकि हम पहले बताए थे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, जो एंगल और बीटा बन रहा था अल्फा बीटा, वो सपोज करके बनाए थे कि कहां पे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा था, एंगल जो बन रहा था वो भी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए बीटा अल्फा भी सपोज किए थे कि ये ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया है, मान के चल रहे हैं डी पे। मीन्स क्या है कि यू ओ बराबर डी, अब यहां से लिख सकते हैं, यहां पे आसानी से हम लोग लिख सकते हैं कि m बराबर क्या लिख सकते हैं, थोड़ा गौर से देखो है ना, m बराबर लिख सकते हैं a डबल डैश b ए बी इन टू इसके जगह पे d लिखे, इसके जगह पे d लिखे, ये d d क्या हो जाएगा, कट जाएगा है ना, अल्टीमेट यू विल गेट द वैल्यू ऑफ है ना। अब ध्यान से थोड़ा देखो, फिर से समझाएंगे अब, मीन्स m बराबर एक फॉर्मूला आ गया a डबल डैश b डबल डैश अपन क्या आया ए बी आया, वो तो कट गया। अब क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन में अपने मन से अपने से अगर मल्टीप्लाई कर दे ए डैश बी डैश अपन ए डैश बी डैश, से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या भैया, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कट कुट करके कितना आ जाएगा वन, मीन्स इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि एक अच्छा चीज लाना था मेरे को। अब ऐसा करके ये ए बी डैश जो है उसको पहले लिख दे रहे, ए बी को बाद में लिख दे, पता चलेगा एम बराबर आएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपन व्हाट ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपन व्हाट ए बी। यहां से एक लॉजिक बताओ क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी क्या है, कोई बता सकता है, अरे भाई ए डबल डैश बी डबल डैश ये बटा ये, ये और ये क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश एक्चुअली में है क्या, हाइट ऑफ किसका, ए डबल डैश बी डबल डैश आखिर क्या है, हाइट है किसका, इमेज का हाइट है। अच्छा ये इमेज किसके द्वारा बन रहा था, आईपीस लेंस के लिए बन रहा था, और हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, अरे यस या नो, यस मीन्स इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी इक्वल टू एम और ई लिख दिए, एम का मतलब मैग्निफिकेशन, ई मतलब आईपीस के लिए, इन टू ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, ध्यान से देखना ए डैश बी डैश बटा ए बी, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। लेकिन ये किसके लिए है, ये लेंस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, तो यहां से हम क्यों ना लिख दें एम ओ, एंड दिस इज द इक्वल टू व्हाट एम, वेरी धांसु इक्वेशन। पहला स्टेप यहां तक क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला तो आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए, डायग्राम में सबको मेंशन करना पड़ेगा आपको है ना, टेन अल्फा टेन बीटा का वैल्यू निकालें और यहां पे क्या करो कि आप इस इक्वेशन में पुट कर दो मैग्निफिकेशन बराबर जो बीटा अपन अल्फा होता है, पहला क्लियर। जैसे ही पुट करोगे तो आप डायरेक्टली पाओगे मैग्निफिकेशन बराबर क्या पाओगे, ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी पाओगे, अपने से क्या चीज को मल्टीप्लाई कर देना, ए डैश बी डैश अपन ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहां से अगर अरेंज करोगे तो पता चलेगा एम ई इंटू एम ओ आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनाओगे, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े हम। अब बेसिकली हमको मैग्निफिकेशन इक्वल टू आया एम ई इंटू एम ओ, मैग्निफिकेशन एट आई पीस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, बस खत्म बात है। अब यहां से फिर से हम लोग को क्या करना है कि नाउ अब एमई और एमओ को फाइंड करना, फिर से हम एमई और एमओ को डिटेल में फाइंड करना है, वैल्यू के साथ फाइंड करना है।
अब क्या लिख सकते हैं यहां पे नाउ, अब क्या करना है कि एम ई बराबर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस लेंस, अगर इसका वैल्यू को हम निकाले तो मैग्निफिकेशन बताओ इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली ए डबल डैश बी डबल डैश, अपन क्या ए डैश बी डैश लिख दे, कोई दिक्कत है क्या? अरे भैया मैग्निफिकेशन इमेज का हाइट, तो इसके लिए इमेज तो यहां बन रहा है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपन ए डैश बी डैश आ गया। अब थोड़ा सा इसको कुछ और करते हैं ट्विस्ट, क्या करते हैं कि ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश के साथ कुछ गेम करते हैं। आप देखो तो गेम कुछ इस डायग्राम से समझ सकते हैं, देखो गौर से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ऐसे नहीं पांच मार्क्स का आ जाता है, ऐसे नहीं है। देखिए ये है ना, ये मेरा क्या है ए डबल डैश, ये मेरा क्या है ए डैश, ये मेरा क्या है बी डैश, ये मेरा क्या है बी डबल डैश, यहां पर एंगल क्या है बी चौक। अब तुम मेरे बताओ कि दोनों ट्रेंगल का अगर हम बात करें, दोनों ट्रेंगल ई बी डैश ए डैश ई बी डबल डैश डबल ए डबल डैश का बात करें अगर हम, तो क्या ये अल्फा जो बी सॉरी बीटा जो है एंगल क्या दोनों के लिए सेम है या नहीं है, देख के बताओ। देखिए भैया ये छोटा ट्रेंगल लो या बड़का ट्रेंगल लो, दोनों के लिए बीटा क्या है कॉमन है, मतलब बीटा कॉमन हो गया। आप यहां पे देखो ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना डिग्री है 90 डिग्री है, देखो ये भी 90 डिग्री ये भी 90, क्या दो एंगल बराबर हुआ? अगर दो एंगल बराबर होता है तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी क्या होता है बराबर होगा, मतलब कौन सा कंग्रुएंट एंगल ए ए ए से इसको बराबर कर सकते हैं। तो जब कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश और बी डैश, जब कभी भी यहां पे बीटा बराबर था 90 था तो थर्ड एंगल भी बराबर, मींस एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट वगैरह कर दे करके जो क्लास दसवां नौवां पढ़ाया जाता है, इसके थ्रू हम लिख सकते हैं यहां पे एक लाइन क्या लिख सकते हैं कि थोड़ा गौर से देखना क्या लिख सकते हैं, है ना, एक सेकेंड रुकना। हाँ अगर ये समझ में आ गया तो इसको हम इरेज करते हैं, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, अच्छा ये ए डैश बी डैश के जगह पे क्या हम ई बी डबल डैश लिख सकते हैं, ये मैथ में पढ़ाया जाता है। जब कभी भी ऐसा ट्रेंगल ऐसा पाया जाता है कॉन्ग्रुएंट, तो ये जो हाइट होते हैं उसको हम ये लिख सकते हैं, मतलब बेस की बराबर कर सकते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं ई बी डैश ई डबल बी डैश लिख सकते हैं। सिमिलरली ए डैश बी डैश के जगह पे क्या लिख सकते हैं ई बी डैश लिख सकते हैं, बस खत्म बात है, यहीं तक समझना था पूरा। सर ए डबल डैश बी डबल डैश को आप ए बी लिखे क्यों? क्योंकि सर तीनों एंगल बराबर हो गया दोनों ट्रायंगल के लिए, इसी वजह से हम लिख दिए ए डैश बी डैश को हम ए बी डैश लिख दे रहे हैं। क्यों लिख दे रहे हैं? क्योंकि वही हालात है। चलो तो इसको अगर हम मिटाते हैं, है ना, तो फिर इसके आगे हम कुछ और गेम करते हैं। अब बता ई बी डबल डैश के लिए क्या लिख सकते हो, ए बी डबल डैश क्या डिस्टेंस है PE, और ये भी किसके बराबर है D के बराबर है, मींस यू कैन राइट कि VE अपन EB डैश ये EB डैश किसके बराबर है UE के बराबर। बेटा यहीं पे तो हम ऑब्जेक्ट, यही तो है मेरा ना इसके लिए, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को क्या लिख रहे हैं UE लिख रहे हैं, आप यहां पर लिख दो UE। थोड़ा साइन का भी बात कर ले, भैया मेरा लाइट इधर जा रहा है और इमेज और ऑब्जेक्ट मेरा इधर बन रहा, लाइट इधर जा रहा है इमेज इधर और ऑब्जेक्ट देखो दोनों एक दूसरे का अगेंस्ट है, मीन साइन क्या हो जाएगा माइनस, और यहां भी क्या माइनस। क्या भी को हम डी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं आसानी से, ये भी किसके बराबर है डी के बराबर है, तो डी लिख दिए और माइनस साइन लगा दिए, माइनस माइनस कट जाएगा तो डी अपन क्या हो जाएगा यू, बस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मींस आपको पता चल गया कि एम ई बराबर क्या आया डी अपन क्या आया यू ई आया, इस इक्वेशन को क्या मान ले थर्ड मान ले। सिमिलरली क्या कर कि एमओ निकालने का कोशिश कर भैया, चलो आजा एमओ की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है भाई, इतना आसान नहीं है। एमओ एमओ का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या था वो लिखते हैं, ए डैश बी डैश अपन क्या था ए बी था। चलो सेम गेम इसके साथ भी करते हैं, देख
ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल का बात कर रहा, कुछ ऐसा है देख, ये ट्रेंगल का अगर बात करेगा तो कुछ ऐसा है देखो, ध्यान से थोड़ा देखोगे है ना, डिफिकल्ट तो है भैया लेकिन थोड़ा समझ जाओगे तो बड़ा एकदम अच्छा लगेगा। यही तो है देखो, तो भैया मेरा यहाँ O है, यहाँ क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है अपन का B है, यहाँ पे क्या है A है, यहाँ पे क्या है B डैश है, यहाँ पे क्या है A डैश है, यही तो है ट्रेंगल। देखो यहाँ पे गौर से, भैया ये ट्रेंगल है या नहीं है, देखो ये ट्रेंगल है ना, देखो ये ट्रेंगल है पूरा, एक ट्रेंगल ये और एक ट्रेंगल ये, दो ट्रेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या अल्फा नहीं होगा, 100% ये भी अल्फा होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी मेरा क्या होगा, 90 डिग्री, मतलब ये अगर 90 तो ये भी क्या है 90, सेम चीज आ गया। दो अगर एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, बराबर होता है। अरे यस या नो, बस खत्म बात है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ए बी को हम लोग लिख सकते हैं यहां से यहां, आसानी से लिख सकते हैं ए बी को हम लोग लिख सकते हैं, ओ बी लिख सकते हैं आसानी से हम लोग। अच्छा ए डैश बी डैश है ना पहले, तो ए डैश बी डैश को हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, ओ बी डैश, तो ओ बी डैश अपन, और ए बी को क्या लिख देंगे ओ बी। अरे ये मैथ में पढ़ना है यार, ये डिट्टो मैथ में पढ़ना था, वो क्लास नाइन्थ में पढ़ना है मैथ में। अब चल बताइए ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीवो लिख सकते हैं, क्यों, अरे यार यही तो इसके वजह से इमेज बन रहा है, तो इसको हम लोग वीवो नहीं लिखे क्या, मीन्स हम लोग लिख सकते हैं वट वीवो बटा ओ बी को क्या लिखेगा बताओ, ओ बी को यूओ, भैया ओ बी ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रखा गया है, तो ओ बी को क्या लिखेंगे यूओ लिखेंगे है ना। अच्छा वो बाद में हम लोग डी लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, साइन के साथ पुट करें थोड़ा, वीवो इधर ही है, वीवो मेरा इधर है और लाइट भी मेरा इधर जा रहा है, रे भी मेरा इधर जा रहा है पॉजिटिव, लेकिन यूओ मेरा क्या है लाइट इधर जा रहा है, इधर है ऑब्जेक्ट, मतलब क्या माइनस साइन लगा दे, मींस पता चलेगा माइनस वीवो अपन क्या आ गया यूओ, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बस खत्म हो गया टॉपिक, डेरिवेशन एंड हो जाता है, इसके बाद जान कुछ नहीं है, हाँ खत्म हो गया डेरिवेशन, बस यहीं तक समझना था। अब क्या कर कि एमओ और एमओ का, एमओ और एमए का वैल्यू फिर से इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दे वो वाला, फिर देखते क्या आता है। नाउ पुटिंग द इक्वेशन है ना, नाउ पुटिंग द इक्वेशन, नाउ पुटिंग द इक्वेशन नंबर व्हाट, इक्वेशन थर्ड एंड फोर इन किस में सेकंड, वी गेट, हम लोग पाते हैं, देखो क्या पाते हैं, जैसे पुट करोगे तो m बराबर देखिए क्या आएगा, एम ई अपन इंटू क्या था mo था, एम ई का वैल्यू क्या आया, एम ई का वैल्यू क्या आया d अपन ue इंटू mo का वैल्यू क्या आया माइनस वी नॉट बटा यू नॉट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, यही इंपॉर्टेंट है बस। आसान था, इसके बाद हम स्पेशल केस करके पढ़ेंगे, एक दो लाइन का है बाकी सब समझ में आ जाता है, बहुत इजी है ना, एक दो लाइन का, इसके बाद का दो स्पेशल केस बनाएंगे, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाता है ना। एक बार फिर से समझे हम, फिलहाल यहां तक हम लोग क्या किए वो फिर से एक बार देखा जाए। भैया आपका ये लेंस था, लेंस तो अजीब सा लग रहा होगा दिखने में है ना, लोग किसी भी तरह से बन गया सर, इतना गंदा बनाया कि जिंदगी में कभी ऐसा ना देखे थे लेंस है ना, ये भी क्या, ये छोटका लेंस है, ये क्या भाई, ये कुछ नहीं है ठीक है, ये कुछ नहीं, बस तेरे को हम दिखाने के लिए कुछ ऐसा किए थे ठीक है, ये कुछ ना है, ये इमेज बन रहा था इसके द्वारा है ना, इस था दो लेंस लिए हैं, इसके वजह से इमेज यहां बना ए डैश बी डैश, ये इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करा, तो इसके थ्रू जो इमेज बना वो यहां बना ए डबल डैश बी डबल डैश, बड़ा बन गया मैग्निफाइड करके बना दिया, इसके थ्रू जो यहां पे इमेज बना उसको वीवो लिख रहे, वीवो क्यों लिखे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये आईपीस लेंस है, आईपीस क्यों है क्योंकि आई के तरफ है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोले क्यों ऑब्जेक्ट के करीब है,
तो वो भी वो लिख दिए। अच्छा ये लेंस के लिए ये जो था वो ऑब्जेक्ट का काम करा, तो यहाँ पे यू ही लिख दिए, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ई का मतलब आई लेंस के लिए। इसके थ्रू जो इमेज यहाँ पे बन रहा उसको भी लिख दिए, भी का मतलब इमेज, ई का मतलब आई पीस के द्वारा। क्या ये डीप लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज का फॉर्मेशन होता, वही तो है मेरा एंगल का बात कर रहे थे। चलो इसके थ्रू जो इमेज ऑब्जेक्ट रखे थे, ये लेंस के जो ऑब्जेक्ट रखे थे, तो उसको यू ओ बोल दें, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे पहला काम क्या करें कि मैग्निफिकेशन बराबर होता था फॉर्मूला व्हाट, बीटा अपन क्या अल्फा। ये बीटा को टैन बीटा भी लिख सकता है, टैन अल्फा भी लिख सकता है। क्यों लिख सकता है? क्योंकि टैन बीटा सिंस एंगल आर टू अ स्मॉल एंगल, बहुत बहुत छोटा है, इस वजह से टैन बीटा टैन अल्फा लिख दिए। सबसे पहले आप टैन अल्फा टैन बीटा का वैल्यू निकालोगे तो ये कुछ आएगा, टैन बीटा बराबर ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ई बी डबल डैश। कैसे? आसानी से, ये एंगल यहां था, इसके लिए परपेंडिकुलर ये था, बेस मेरा ये था यहां से यहां तक, तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपन ई बी डैश आ गया। सिमिलरली टैन अल्फा का वैल्यू निकाले, दोनों का वैल्यू मैग्निफिकेशन में पुट कर दिए, यहां पे पुट करने के बाद आपके पास जो आएगा फाइनल आंसर वो ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए बी आएगा। अपने मन से मल्टीप्लाई क्या किए हैं ये माइंड में ठूस लो, अपने से क्या मल्टीप्लाई कर रहे, ए डैश बी डैश बटा ए डैश बी डैश। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन हम किए क्योंकि मेरे को कुछ अलग सा टॉपिक लाना था, कुछ अलग सा पॉइंट लाना था। जैसे मल्टीप्लाई करें तो ए डैश बी डैश को इधर ले आए है ना, ए बी को उधर ले गए, तो पता चला ए डबल डैश बी डबल डैश बटा ए डैश बी डैश। ए डबल डैश बी डबल डैश आप यहां देखोगे तो ये इमेज का हाइट है, और ए डैश बी डैश ये देखोगे तो ऑब्जेक्ट का हाइट। किसके लिए? आईपीस के लिए। तो क्या हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ही क्या कहलाता है भैया? मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन लिख दिए। अच्छा सर ई का लिखे मेरे को समझ ना आ रहा है ना। सर एम तो समझ आ गया लेकिन ई ना धसा मेरे को। अबे ई का मतलब ये जो मैग्निफिकेशन बन रहा था वो इसके थ्रू बन रहा था, इसी वजह से ई लिखे। सर ये ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए डैश बी डैश बटा ए बी, सर ये तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, बहुत बढ़िया बात है भैया, लेकिन ये किसके लिए था? इस लेंस के लिए था, दैट्स व्हाई इट इज एम ओ लिख दिए। अगेन हम लोग क्या करें कि एम ई और एम ओ का वैल्यू को निकालने का कोशिश करें तो कुछ ऐसा आया आपको, ए एम ई बराबर क्या था, ए डबल डैश बी डबल डैश ए बी लिख दिए। अब बेसिकली ये चीज आपको यहां पे समझना था, यहां पे मैथ का कंसेप्ट का यूज करें है ना। सर दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल बराबर था, दोनों ट्रायंगल के लिए आप बात करते हैं है ना, ये इस ये वाले में दो दो ट्रायंगल बन रहा था, एक छोटा बन रहा एक बड़ा बन रहा था, तो सर ये वाला ये वाला ये एंगल सब बराबर था, तो ए डबल डैश बी डबल डैश को हम ए बी डबल डैश लिखे थे, और क्या ए बी को क्या लिखे थे, ई है ना, बस खत्म बात है, हो गया। यहां से ई बी डबल डैश को ई बी डबल डैश इज इक्वल टू भी एंड विच इज इक्वल टू डी डी लिख दिए, देखो माइनस साइन, क्योंकि लाइट इधर जा रहा है इमेज इधर बन रहा है, तो माइनस साइन के साथ पुट किए। और सर ई बी डैश इज इक्वल टू व्हाट, यू ई, क्योंकि ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट यही तो काम कर रहा भाई, बस लिख दिए। अगेन यहां से जब लाए तो इक्वेशंस बना क्या, एम ई बराबर डी बटा यू, जो कि तेरे को याद रखना इक्वेशन नंबर थर्ड बनाइयो। सिमिलरली एम ओ निकाल के उसका वैल्यू पुट कर देना, तो फाइनली यहां तक आ जाओगे, मींस क्या है 80% डेरिवेशन खत्म। अब 20% क्या है वो आगे चलते हैं हम लोग, ये 20% में क्या है ना, स्पेशल केस की तरफ हम लोग मूव करेंगे। चलो यहां तक किसी को समझ में नहीं आया होगा तो बताएंगे है ना, रिप्लाई करेंगे कमेंट में कि सर एक बार फिर से समझा दो, आई विल ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड यू। ओके चलो ये हो गया आपका, इधर हम मिटा रहे बस, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब डेरिवेशन एंड हो गया है ना। चलो केस नंबर फर्स्ट का बात कर रहे हैं है ना, केस नंबर फर्स्ट स्पेशल केस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में यह बोला जा रहा है कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब क्या बोला जा रहा है कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड, फाइनल इमेज इज फॉर्मड
एट वेयर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंक्ट विजन, है ना। ये मीन्स क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज करके लिख सकते हैं, है ना, कि भी जो था फाइनल इमेज तो भी था भैया, ये भी था, तो ये भी जो है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन का मतलब किस पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, चूंकि उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं। मीन्स भी बराबर क्या, डी पुट कर दो। अब यहां से लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करते हैं, फाइनल रिजल्ट पाने का कोशिश करते हैं। अब बताओ, बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस या लेंस फॉर्मूला डायरेक्टली लिखो, है ना। चलिए, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू, यही तो है भैया लेंस फॉर्मूला, यही तो है 1 बाय भी इक्वल टू 1, सॉरी 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू। अच्छा, यहां पे अपने मन से क्या लगा दो, ई लगा दो, हम आईपीएस के लिए निकाल दें, क्योंकि आईपीएस है ना के बगल में ही क्या था, अपन आंख रखे थे, तो यहीं से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना इसके, और फाइनल इमेज तो इसी के थ्रू बना, इसी वजह से ऐसा कर दिए। अब ऐसा कर, यहां से कुछ अब साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दे, साइन के साथ पुट कर दे डाटा को, है ना, और जैसे ही डाटा को साइन के साथ पुट करोगे तो देखना एक भयानक सा रिजल्ट आएगा, है ना। ये रिजल्ट आपको याद रखना, फाइनल रिजल्ट यही है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेना, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान ले, इस काम का चीज है, इसको आगे हम लोग करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 5 इसको मान ले, है ना। चलो, जैसे यहां पे आ गया 1 बाई एफ बराबर 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू, अब साइन के साथ और वैल्यू के साथ पुट कर दो तो पता क्या चलेगा, है ना। चलो, कहां लिख दे, यही लिख दे, 1 बाई एफ ई इक्वल टू भी ई। अब बताओ, भी के लिए साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, भी रेज आ रहा है यू, इमेज बढ़ रहा है यू, साइन क्या नेगेटिव या पॉजिटिव। अबे रेज आ रहा था इधर और इमेज बना इधर, तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। मींस क्या है, साइन जो है यहां पे 1 माइनस भी लेंगे, माइनस 1 बटा यूई कोई बता दो, यूई 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 देख के बता जल्दी सा, यूई पॉजिटिव या नेगेटिव, यूई। अबे यू का मतलब ऑब्जेक्ट और ई का मतलब आईपीएस वाला के पास जो ऑब्जेक्ट रखे थे, बताना किधर है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, मतलब अगेंस्ट है या सेम डायरेक्शन में है। रे जा रहा इधर, ऑब्जेक्ट है इधर, मतलब व्हाट, माइनस लेंगे यहां पे भी, है ना, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देन पुट करो व्हाट, 1 बाई एफ ई इक्वल टू 1 बट भी ई माइनस में प्लस 1 बटा व्हाट यू ई। क्या भी को क्या लिख सकता है, डी लिख सकते हैं, क्योंकि हम कंडीशन बना दिए हैं कि इमेज जो बन रहा है वो एलडीडी पे ही बन रहा है, डी पे बन रहा है। नाउ यहां पे है ना, यूजिंग साइन कॉन्वेंशन, है ना, यहां पे लिख सकते हैं यूजिंग कर्व व्हाट साइन कॉन्वेंशन, है ना। देन 1 बाई एफ इक्वल टू व्हाट, 1 बाई माइनस डी प्लस 1 बटा यू ई, है ना। क्यों, क्योंकि भी बराबर क्या होता है, डी होता है। अब ऐसा करके ये डी, ऐसा करके मल्टीप्लाई बोथ साइड, डी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, बाई मल्टीप्लाइंग, है ना, बाई मल्टीप्लाइंग विथ डी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या, अगर डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी अपन एफ ई हो गया इक्वल टू डी अपन क्या आएगा, माइनस डी प्लस 1 डी अपन व्हाट यू ई आ गया, बस खत्म बात है। ऐसा करिए, दोनों को कट करेंगे तो यहां पे कितना बचेगा, कोई बता दे जल्दी जल्दी बता दे जल्दी बता दे, यहां पे क्या बचेगा, जल्दी बताओ जल्दी बता, यहां पे क्या बचेगा, 1 या माइनस 1, माइनस 1, और ये माइनस 1 को इधर ले आ, क्या हो जाएगा, अबे डी अपन एफ इक्वल टू माइनस 1 कटेगा तो माइनस 1 ही आएगा ना, प्लस क्या आएगा, डी अपन क्या आएगा यू ई, ये माइनस 1 को इधर ले आ, क्या हो जाएगा प्लस, देन फाइनली यू विल गेट डी अपन एफ ई प्लस 1 इक्वल टू डी बटा यू ई।
अब देख पांचवा इक्वेशन में आप गौर से देखो, फाइव नंबर इक्वेशन में आप देखो, क्या फाइव नंबर इक्वेशन में कहीं डी बटा यू ही नजर आ रहा है आपको? मीन्स क्या है कि ये डी बटा यू का इक्वेशन जो है वो पांचवा नंबर में पुट कर दो। नाउ इसके बाद हम लोग यहां से लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका, डी अपन यू इन कहां पे, इक्वेशन नंबर पांच में। जैसे ही पुट करेंगे डी अपन यू तो क्या आएगा, मैग्निफिकेशन बता दो, एम बराबर फाइनली आएगा माइनस वी नॉट अपन यू नॉट इन टू डी बटा यू के जगह पे यहां से पुट कर दे, तो जैसे ही पुट करेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस डी बटा एफ ई एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, बस खत्म बात है। ये था आपका रिजल्ट, दिस वॉज द केस नंबर फर्स्ट। ये रिजल्ट तब आ रहा है जब हम फाइनल इमेज को कहां पे माने हैं, डी पे मान करके बनाए हैं, तब ये कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा कभी कभी आ जाता है कि इस कंडीशन पे लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मतलब ये दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, तो इस कंडीशन पे हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज लेंथ ऑफ व्हाट, माइक्रोस्कोप। यहां से यहां भैया ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था इसके लिए, तो यहां से दूरी इधर पहले क्या था, वी नॉट था, और यहां से यहां तक का दूरी क्या था, यू ई था। मीन्स बोल सकते हैं कि एल बराबर व्हाट वी नॉट प्लस व्हाट यू ई, बस खत्म बात है। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है, हो गया। सर इतना हार्ड, बाप रे बाप, का जिंदगी में नहीं पढ़े, ये बहुत डिफिकल्ट है सर, एकदम माथा एकदम क्या बोले बियॉन्ड द सिलेबस जा रहा है, एकदम बाउंस कर रहा है सर, कैसे कैसे कर रहे हैं आप, है ना, आप कैसे कैसे बता रहे हो कुछ समझ में आ नहीं रहा। जल्दी थोड़ा सा लिखो, है ना, स्क्रीनशॉट करो जल्दी। कैसे कैसे कर दिए सर, एकदम बड़ा डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है ना, एक बार फिर से देखियो, है ना, फिर से तेरे को लेक्चर तो है ही, सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, है ना। चलो ये हो गया अपन, अब बात करते हैं फिर से केस नंबर सेकंड बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लिख लेना घर में, है ना, सेकंड नंबर केस बना रहे हैं। हाँ चलो, फाइनल रिजल्ट पांचवा नंबर ये याद रखना है आपको, एम बराबर डी बटा यू इन टू माइनस वी नॉट बट वी नॉट या वी जीरो अपन यू जीरो, है ना, या वी नॉट अपन यू नॉट, कुछ भी बोलो अपन, ऑब्जेक्ट के लिए था। उसके बाद फिर डी भी के जगह पे डी पुट करके लेंस मेकर फॉर्मूला में सब चीज यूज करना, साइन के बाद उसके बाद डी डी बटा यू का वैल्यू निकालना और उस पर पांचवा नंबर इक्वेशन में पुट कर देना। चलो ये केस नंबर सेकंड हम लोग बात करते हैं, केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इनफाइनाइट, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्मड एट इनफाइनाइट, मीन्स क्या है बोला जा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट भी जो है वो इज इनफाइनाइट पे बन रहा है भैया। अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पे कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया होगा, कोई बता दो, बता, कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज इनफाइनाइट पे बन रहा है भैया, इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया होगा, फोकस पे रखा गया होगा। अरे यस यानो, ये तो बेसिक चीज है भैया, दसवां में बड़हवां में सब जगह पढ़ाया जाता है। मींस यहां पे बोल सकते हैं कि यूई जो है, आप बोल सकते हैं कि ये यूई जो है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है, खत्म बात है। ऑब्जेक्ट को जो रखे हैं, क्योंकि इसको मतलब फाइनल मान के चल रहे कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बना, तो ये जो यू ही होगा वो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, बस खत्म बात है। अब यहां पे पुट करो वैल्यू अगेन बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, वन बाई एफ इक्वल टू व्हाट, वन बाई वी माइनस वन बटा यू ई, देखो तो कुछ रिजल्ट आएगा, है ना। इसको अभी पुट करने की जरूरत नहीं, बस ये हम बता रहे कि ऐसा हो रहा है, इसको हम लोग लास्ट में पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब पुट करो वैल्यू, वन बाई एफ ई इक्वल टू वन बाई भी क्या है, इनफाइनाइट। अच्छा भी को साइन कन्वेंशन के साथ पुट करोगे तो क्या आएगा बताना, भी ई इधर है, मीन्स माइनस इनफाइनाइट,
माइनस वन बटा यूई, यूई प्लस या नेगेटिव, प्लस या माइनस, यूई देखो ये लेन से इधर है तो मतलब माइनस, ये भी आएगा माइनस है ना यूई। अब अपन ये पुट कर सकते हैं क्या, माइनस माइनस प्लस, देन वन बाई एफ इक्वल टू लिख सकते हैं वन बाई इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो है ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस मतलब वन बटा क्या लिखेंगे यूई। अच्छा अभी भी हमको नहीं लाना, हमको बेसिकली लाना है डी बटा यूई का इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या करोगे कि डी बटा यूई आ जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, किससे, डी से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स क्या है कि अगेन मल्टीप्लाइंग, अगेन मल्टीप्लाइंग विथ व्हाट डी ऑन बोथ बोथ साइड, तो क्या जाएगा डी अपन एफ ई इक्वल टू क्या जाएगा डी बटा यू ई, ये आ गया देखो। अब ये डी बटा यू आ गया, अब इसका वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर किस में, पांचवा में, नाउ पुटिंग द वैल्यू खत्म हो गया टॉपिक, नाउ पुटिंग द वैल्यू डी अपन यू ई इन इक्वेशन नंबर फाइव, जैसे ही पुट करेंगे तो आएगा m बराबर माइनस वी नॉट यू नॉट इन टू डी बटा यू ई को क्या लिखेंगे डी बटा एफ ई, आ गया आपका बस हो गया। ये आपका था रिश्ता यहां तक है ना, यहां तक आपका था ये रिश्ता, फाइनल इक्वेशन इसके लिए भी यही है ना, माइनस वी नॉट यू नॉट इंटू डी बटा एफ ई, दिस वाज द फाइनल मैग्निफिकेशन, कब, जब इमेज को कहां रखा था इनफाइनाइट पे रखा था, याद है बस खत्म बात हो गया है ना। अब इस कंडीशन के लिए लेंथ चाहिए होता है भैया, इस कंडीशन के लिए लेंथ चाहिए होता है, तो लेंथ बराबर क्या लिखेंगे, मतलब लिख सकते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप तो यही, ये दोनों के बीच का, माइक्रोस्कोप के बीच का क्या दूरी है, तो वी नॉट तो पहले था भैया, प्लस पहले क्या था यूई था, अब लेकिन ये यूई किसके जैसा बिहेव कर रहा था, इधर कहीं बताए थे यूई जो था वो किसके जैसा बिहेव कर रहा था, एफी, क्यों, क्योंकि इमेज कहां बना, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया हो, फोकस पे रखा गया, यस या नो, यस एग्जैक्टली, मीन्स यू कैन राइट कि यूई जो है वो किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है, एंड दिस इज द व्हाट फाइनल इक्वेशन, जो कि एक मार्क्स के लिए तेरे को इंपॉर्टेंट है, और यहां पे जाकर के टॉपिक खत्म हो जाता है ना। ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सर बड़ा हॉचपॉच लग गया एकदम, दिमाग नहीं काम कर रहा, कहां कहां कैसे कैसे किए एकदम बाप रे बाप, बड़ा डिफिकल्ट था ना भाई, इतना बनाओगे तब जाकर के पांच नंबर मिलेगा तेरे को है ना, इतना बनाओगे देन यू विल गेट फाइव मार्क्स, अदरवाइज है ना नहीं पाओगे दस पांच मार्क्स, सब कुछ लिखना पड़ता है यहां तक, तब जाकर के पांच नंबर बना पाओगे है ना। समझ में आ गया होगा, आई थिंक, आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा है ना, कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन हम बता रहे, सबसे पहले क्या करना है कि आपको मैग्निफिकेशन बराबर बेसिक में बीटा अपन अल्फा होता है, सबसे पहले बीटा को टेन बीटा टेन अल्फा लिखना, टेन बीटा टेन अल्फा का वैल्यू को निकालना, मैग्निफिकेशन में पुट कर देना, जैसे पुट करोगे तो मैग्निफिकेशन बराबर आएगा ए डबल डैश बी डबल डैश अपन समथिंग आएगा, ए बी आएगा, वहां से अपने से मल्टीप्लाई करना ए डैश बी, ए डैश बी डैश बटा ए डैश बी डैश अपने से करोगे, तब वहां से जब कटकुट करोगे तो मैग्निफिकेशन बराबर फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, एम बराबर वट एम इन टू वट, अब यहां से एम ई निकालना एमओ निकालना, और जो भी आएगा यही आएगा, जो भी आएगा वो यही आएगा, क्या आएगा डी अपन क्या आएगा यू ई आएगा, दिस इज द फाइनल इक्वेशन यू विल गेट। अब दो केस बनाइयो भैया, दो स्पेशल केस बनाइयो कि जब पहला जो इनफाइनाइट में रखा गया है तब, और दूसरा क्या है या फिर एल डी डी बी पे रखा गया है तब, दोनों के लिए अलग अलग लेंस फॉर्मूला यूज करना, और लेंस फॉर्मूला यूज करने के बाद अपन को क्या करना वहां से कि डी बटा यू का वैल्यू को कैलकुलेट करने का कोशिश करना, और फाइनल इक्वेशन में पटक दो ऐसे करके है ना, जैसे पटकेंगे तो पता चलेगा मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ जाएगा दोनों के लिए है ना। ये था आपका आज का लेक्चर, माइक्रोस्कोप खत्म होता है, इसके बाद हम लोग टेलीस्कोप स्टार्ट करेंगे जो कि एक से दो दिन का लेक्चर होगा, उसके बाद रे ऑप्टिक्स टोटली खत्म हो जाता है यहां पर।
है ना। हो सकता है इस पे कल न्यूमेरिकल्स करें, एक आध न्यूमेरिकल्स करें, कैसे कैसे आते हैं, तब तक इंतजार करें। और कहीं नहीं समझ आता है कमेंट में लिखें कि सर समझ में नहीं आया, फिर से कोशिश करेंगे यूट्यूब पे लेक्चर डालने का, है ना। आई थिंक इट इज डिफिकल्ट, लेकिन कोशिश करोगे समझ में लाने का तो 100% यू विल गेट, है ना। चलो ये था आपका लेक्चर, कल से हम लोग दूसरा टॉपिक और स्टार्ट करेंगे। तब तक बाय, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और दूसरे को भी हंसाते रहो। बाय, गुड नाइट।